राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए सुबह 11 बजे के बाद वी वोटिंग में एनडीए के हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति पद के लिए चुने गए। पहले वोटिंग के दौरान कुल 206 वोट पड़े, जिसमें एनडीए के हरिवंश के पक्ष में 115 वोट पड़े। हालांकि इस दौरान दो सदस्य अनुपस्थित रहे, लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्यों की तरफ से आपत्ति आने के बाद उन्हें स्लिप के जरिए वोट डालने दिया गया। इसके बाद दोबारा वी वोटिंग में कुल 222 वोट पड़े। इनमें एनडीए के हरिवंश को 125 जबकि यूपीए के बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। इसके बाद एनडीए के हरिवंश को उपसभापति पद के लिए चुने जाने की घोषणा सभापति द्वारा की गई। आपको बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को बिहार के छपरा के सीता बदियारा के दलजी टोला में हुआ। हरिवंश ने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा गाँव के सटे टोला काशीराय स्थित स्कूल से की। उसके बाद जेपी इंटर कॉलेज सेवाश्रम से 1971 में हाई स्कूल पास करने के बाद वे वाराणसी पहुंचे। वहां यूपी कॉलेज से इंटरमीडिएट और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। अप्रैल 2014 में उन्हें राज्यसभा के लिए बिहार से चुना गया। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में पूरा होगा। हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले हरिवंश ने एकमात्र राजनीतिक पारी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।